थैंक यू। नहीं, ये हमारे एडिटर ने लास्ट वाला स्लाइड या लास्ट वाला सेगमेंट आगे नहीं रखा है। सच्ची में हम ये शो जो है, ये वाला एपिसोड एक थैंक यू के साथ शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बदौलत हमें आज एक बार फिर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सिर्फ आपके फीडबैक के कारण ही नहीं है, फैंटेसी गली के सब्सक्राइबर्स अब 3,500 से ज्यादा हो चुके हैं, और ये सब आपके प्यार की बदौलत है। हमें 2,500 से 3,000 तक पहुंचने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन 3,000 से 3,500 तक या 3,500 तक पहुंचने में बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं लगा, और ये आपके बिना मुमकिन नहीं होता। सो कीप अप द गुड वर्क, प्लीज स्प्रेड द वर्ड। आप जिनसे भी मिले, मुलाकात करें, प्लीज उन्हें फैंटेसी गली के बारे में बताइए, और सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, आप अपने फायदे के बारे में भी बताइए कि किस तरह फैंटेसी गली की वजह से आपको फैंटेसी समझने में ज्यादा आसानी हुई। क्योंकि हम यहाँ बाजार में सिर्फ ये कहने आए नहीं है कि आप ये टीम बनाइए तो आप 1 करोड़ जीत जाएंगे या वो जीत जाएंगे, ये जीत जाएंगे, नहीं, हम आपकी मदद करने आए हैं, फैंटेसी टिप्स देने आए हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहते हैं कि आप अपनी अकल जरूर लगाइए, अपनी अकल जरूर ऑन कीजिए और हमारी टीम के साथ एक प्रॉपर टीम बनाइए। चलिए, थैंक यू सो मच। ये अभी एडवांस में थैंक यू है कि आप ये वाला वीडियो पूरा देखेंगे, क्योंकि ये है साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश फर्स्ट टेस्ट। प्लीज स्टे ट्यून्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कार्तिक अय्यर। मैं स्वागत करता हूं मेरे पूरे फैंटेसी गली टीम की तरफ से आप सभी का इस नए एपिसोड में। ये है साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश पहला टेस्ट मैच, जो खेला जाएगा भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से गुरुवार 31 मार्च 2022 को शाम दोपहर के 1:30 बजे। दोपहर के 1:30 बजे, वहां पर सुबह 10 बज रहा होगा साउथ अफ्रीका में। ये मैच खेला जाएगा किंग्सबीड डर्बन में। इन दोनों ही टीम्स ने अभी हाल ही में ओडीआई श्रृंखला खेली थी, जो बांग्लादेश ने 2-1 से जीती थी। मतलब तो एक काफी बड़ी खबर आ गई थी कि बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, लेकिन टेस्ट मैच एक अलग ही लेवल है। ये दोनों ही टीम्स ने कभी बांग्लादेश ने कभी साउथ अफ्रीका को टेस्ट मैच में हराया नहीं है, चाहे वो बांग्लादेश में हो या साउथ अफ्रीका में हो। प्लस भले ही साउथ अफ्रीका के काफ़ी प्लेयर्स मिसिंग हैं, लेकिन घर में खेलना अलग बात है, और उन्होंने हाल ही में भारत को भी टेस्ट श्रृंखला में हराया था घर में, तो एडवांटेज साउथ अफ्रीका ही है। लेकिन आपके लिए क्या एडवांटेज है ये वीडियो देखने में, सबसे पहले तो हम आपको इस पर्टिकुलर मैदान की पिच रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, यानी डर्बन की पिच रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के किस तरह के कॉन्टेस्ट में आपको भाग लेना चाहिए, कितना डालना चाहिए, फिर कौन से प्लेयर्स को लेकर आपको फायदा होगा, कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशंस, फिर डिफरेंशियल पिक्स, और एक प्रोबेबल 11 भी हम देंगे दोनों ही टीम्स का, प्लस हमारी तरफ से भी एक फैंटेसी गली का प्रोबेबल 11 हम आपको दे देंगे दोनों टीम्स का मिलाकर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पिच रिपोर्ट। तो डर्बन की जो पिच है थोड़ी कंफ्यूजिंग है अगर आप प्रॉपर स्टैट्स के हिसाब से जाएंगे, क्योंकि पिछले कई मैचों में टीम्स ने जो पहली बैटिंग की है उन्होंने भी अच्छा किया है, फिर कई कई मैच में टीम्स ने जो सेकेंड बैटिंग की है उन्होंने भी अच्छा किया है, ये ओवरऑल जो एनालिसिस है उसके हिसाब से। लेकिन अगर पिछले 5 मैचेस से देखें ना, तो जो टीम ने पहले बैटिंग की है उसने सिर्फ 20% मैचेस ही जीते हैं। तो 80% बैटिंग, माफ कीजिएगा, 80% जीत दूसरी टीम बैटिंग को मिली है। और ये अमूमन इसलिए होता है क्योंकि पहले दिन में दक्षिण अफ्रीका में खास करके पिच थोड़ी बहुत ज़्यादा एक स्पॉन्जी भी रहती है, बाउंस ज़्यादा मिलती है, और बॉलर्स को मॉइस्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा विकेट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन से पिच थोड़ी सेटल डाउन हो जाती है, इसलिए ये माना जाता है कि डेज 2 और 3 दक्षिण अफ्रीका में बैटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जो टीम पहली बैटिंग करती है वो या तो ये ट्राई करती है कि हम 3 दिन बैटिंग करें, लेकिन जो टीम बॉलिंग कर रही है वो ये ज़रूर कोशिश करती है कि हम डे 1 पर ही पहली वाली टीम को ऑल आउट कर दे, ताकि हम एक बड़ा स्कोर बनाएं सेकेंड और थर्ड डे पे, और फिर चौथे और पांचवें दिन पे जाते जाते स्पिन आ जाता है, क्योंकि डर्बन में स्पिन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले 2-3 दिन आपको पेसर्स विकेट्स दिलाएंगे और बाकी के 2 दिन में आपको स्पिनर्स विकेट्स दिलाएंगे। तो ये हो गई हमारी पिच रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ही स्टैंडर्ड है, लो टू मीडियम रखें, ज़्यादा ग्रैंडिक कॉन्टेस्ट में बहुत ज़्यादा टीम्स ना रखें, आप सब जगह पार्टिसिपेट करें, स्मॉल लीग, हेड टू हेड,
ग्रैंड लीग, लेकिन स्मॉल लीग और हेड टू हेड में ज्यादा पार्टिसिपेट करें, आपके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। ग्रैंड लीग में ऑफकोर्स एक दो टीम्स रखें, लेकिन स्मार्टली कैप्टन वाइस कैप्टन और डिफरेंशियल पिक्स रखें, क्योंकि याद रखें ग्रैंड लीग में आपको डिफरेंशियल पिक्स ज्यादा करके जिताएंगे, क्योंकि ग्रैंड लीग में अगर सभी लोग सेम कैप्टन और वाइस कैप्टन रखेंगे तो जीतेगा कौन, तो वो डिफरेंशियल पिक्स ही आपको जिता सकते हैं। तो उसके लिए आप प्लीज फैंटेसी गली पे आइए, कॉन्टेस्ट सेक्शन है वहां पर, कॉन्टेस्ट के हिसाब से अपने बजट और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से कॉन्टेस्ट चुनिए। लाइक आप सेफ खेलना चाहते हैं, थोड़ा रिस्की खेलना चाहते हैं, फैंटेसी मौजूद है वहां पर, उनको से यहाँ से वहां थोड़ा टटोलिए या स्क्रोल कीजिए और आपके दोनों साइड आपको पता चलेगा कि क्या कॉन्टेस्ट है और अप्रॉक्सीमेट कमाई भी कितनी है। और अगर आप माउस ओवर करोगे ना फैंटा पे तो आपको ये भी पता चलेगा कि आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। ये फीचर सिर्फ फैंटेसी गली पे है, प्लीज इसका फायदा आप जरूर उठाइए। चलिए अब आगे टीम की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि टेस्ट मैच बांग्लादेश का फोर्टे नहीं है, वनडे उनका बेस्ट फॉर्मेट है, तो आप ज्यादा से ज्यादा करके प्लेयर्स साउथ अफ्रीका से ही ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। प्लस बैटर्स ऑलराउंडर्स आप ज्यादा करके लें, क्योंकि पहले तीन दिन आपको बैटिंग रन्स ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और गेंदबाजी में भी स्पिनर्स रखें, स्पिनर्स ज्यादा रखें लेकिन तेज गेंदबाज भी रखें, क्योंकि पहले तीन दिन आपको तेज गेंदबाज विकेट्स देने वाले हैं। तो ये थोड़ी बहुत एक स्टैंडर्ड जो डिस्क्रिप्शन है वो हो गई। अब चलते हैं प्लेयर एनालिसिस। तो सबसे पहले हम विकेट कीपर की बात करेंगे, तो लिटन दास आपके लिए बहुत जरूरी है। ये पिछले 8 इनिंग में इस फॉर्मेट में उन्होंने 3 अर्धशतक और 2 शतक लगाए हैं। तो और यही देखें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उसके पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी। इन फॉर्म प्लेयर है लिटन दास, तो आप प्लीज अपनी फैंटेसी टीम को लाइट कर लीजिए लिटन दास के साथ, ये विकेट कीपर आपके टीम में होना जरूरी ही है। बल्लेबाजों की तरफ आते हैं, तो एक बल्लेबाज का नाम, तो ये एक इम्प्रूविंग बल्लेबाज है, इनका नाम सबसे पहले तो नहीं आएगा लेकिन ये इम्प्रूविंग बल्लेबाज है कीगन पीटरसन, क्योंकि इन्होंने, अगर मैं गलत नहीं रहूंगा अगर मैं ये कहूं कि भारत ने या फिर दक्षिण अफ्रीका ने भारत के विरुद्ध जो श्रृंखला जीती थी उसके मूल सूत्र जो है वो कीगन पीटरसन, क्योंकि सारा फोकस एल्गर पे था लेकिन कीगन पीटरसन ने आकर पारी संभाली। और ये देखिए उनके परफॉर्मेंसेस सभी रॉक्स के साथ, ये डोमेस्टिक का डेटा है, ये 157 अंक उन्होंने खेले थे, 4 मार्च को उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। अब ये डेटा कहाँ से आ रहा है, यही आपको फैंटेसी गली देता है, क्योंकि बाकी सारे साइट्स में आपको सिर्फ उस सीरीज के स्टैट्स मिलेंगे फैंटेसी के, लेकिन यहाँ पर हम आपको उस प्लेयर के लाइफ लॉन्ग स्टैट्स देते हैं, लेकिन लेटेस्ट 5 चुनिंदा, यानी ये 150 अंक जो उन्होंने दिलाए हैं वो 4 मार्च को मिले हैं, उसके पहले भारत के खिलाफ 209, 135, 68, 58 और 47। तो इसलिए कीगन पीटरसन आपके टीम में होने चाहिए। वहीं पर दूसरे बैट्समैन के तौर पर ये डीन एल्गर, अब इन्हें आप बाहर क्यों ही रखेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ स्टैट्स के हिसाब से। पिछले 5 टेस्ट इनिंग्स में, यानी बांग्लादेश के विरुद्ध जो पिछले 5 टेस्ट इनिंग्स खेले हैं उन्होंने, उनमें से 2 सेंचुरी है, वो सेंचुरी स्कोर बताता हूँ, 113, 18, 199, 28 नाबाद और 47, और ये सब मिला कि बैटिंग एवरेज उनका हो जाता है 101.25। वैसे भी कोई रीजन नहीं था डीन एल्गर को नहीं रखने के लिए, और अभी तो पुख्ता हो गया है कि डीन एल्गर आपके टीम में होने ही होने चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ, तो ऑलराउंडर्स में मैं 2 जन का नाम लूंगा, एक तो शाकिब अल हसन, नंबर 1 ऑलराउंडर रहे हैं ये बांग्लादेश के, और परफॉर्मेंसेस भी काफी अच्छी है, 117, 123, 81 प्लस। शकीब को पता रहेगा कि ये साउथ अफ्रीका की साइड डिप्लीटेड है, क्योंकि मेन प्लेयर्स नहीं है, कहीं सो रबाड़ा नहीं है, रासी वैंडर डुसन नहीं है, एडन माक्रम नहीं है, और शकीब की रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध उन्होंने 203 रन बनाए हैं और 13 विकटें ली हैं सिर्फ 6 मैचों में, तो ये 13 विकटों में 2 फाइफर्स भी हैं, तो चाहिए तो आप शकीब को कैप्टन या वाइस कैप्टन भी रख सकते हैं। भले ही ऐसा प्रतीत जरूर हो रहा है कि बांग्लादेश जीत नहीं जीत पाएगी, लेकिन फिर भी आपको पॉइंट से मतलब है, तो ये एक ऑलराउंडर हो गए। अब दूसरे ऑलराउंडर हम वियान मुल्डर की बात करेंगे। वियान मुल्डर घर पे खेल रहे हैं और ये कंसिस्टेंसी देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, न्यूजीलैंड में 75, 51, 65, 65, 78, ये उनके पॉइंट्स है फैंटेसी के हिसाब से। और उनके 8 मैच के टेस्ट करियर में उन्होंने 14 विकेट और 205 रन बनाए हैं अभी तक। मिडल ऑर्डर में आते हैं नंबर 6, नंबर 7 पर, और गेंदबाजी में भी 4थे या 5वें पैदान पर आते हैं गेंदबाजी करने के लिए, यानी गेंद जो है तब थोड़ी पुरानी हो जाती है और कभी कभी रिवर्स स्विंग भी मिल जाती है वियान मुल्डर को, तो इन्हें आप
अपने कंसिडरेशन में जरूर रख सकते हैं। अब आते हैं गेंदबाजों की तरफ, तो गेंदबाजों में केशव महाराज का नाम पहले ले लेता हूं क्योंकि स्पिन होने वाली है ट्रैक, तो नंबर डेज 4 और 5 पे इनकी भूमिका काफी अहम होगी और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने रिसेंटली अच्छी परफॉर्मेंस दी, 147 अंक उसमें उन्होंने निकाले थे। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ अगर हम बात करें तो 4 इनिंग में यानी 2 मैच में उन्होंने 8 विकेट लिए हैं और ये अगर आता है तो पर पारी यानी हर एक पारी में कम से कम 2 विकेट तो लेते ही लेते हैं। प्लस इस वेन्यू में, डर्बन वेन्यू में जो इनका होम ग्राउंड भी है, उन्होंने 4 इनिंग में 12 विकेटे दी हैं, तो विदाउट अ डाउट केशव महाराज आपके लिए एक बैंक है, इस बैंक का पूरा फायदा उठाइए। अब दूसरे बॉलर की अगर हम बात करें तो वो है बांग्लादेश के ताइजुल इस्लाम। ताइजुल इस्लाम कंसिस्टेंट है, 58, 192, 136, 54 और 170 ये उनके फैंटेसी पॉइंट्स हैं, पर उनके पिछले 8 पारी में उन्होंने हर एक पारी में 3+ विकेट्स लिए हैं, यानी ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, टेस्ट और फर्स्ट क्लास मिला के है। तो ताइजुल इस्लाम आप डेफिनेटली आपको पॉइंट्स जरूर देंगे क्योंकि वो इन फॉर्म प्लेयर है। तो ये जो मैंने प्लेयर्स की बात की ये हो गए आपके, चलिए होने ही होने चाहिए प्लेयर्स, इनके बिना आप ये नहीं हो सकते। अब बढ़ते हैं डिफरेंशियल पिक्स की तरफ, यानी डिफरेंशियल पिक्स वो होते हैं जो आपको ग्रैंड लीग में थोड़े बहुत अलग ज्यादा पॉइंट्स दिला सकते हैं क्योंकि इन्हें कम प्रतिशत लोग लेंगे। तो उनमें से एक है काइल बरेन। अब क्विंटन डिकॉक नहीं है इस स्क्वाड में क्योंकि वो इंडियन टी20 लीग खेल रहे हैं, तो काइल विलेने को एक मौका मिल सकता है और खासकर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, 194 अंक उन्होंने दिलाए थे और वेस्ट इंडीज में भी जब वर्ल्ड कप के पहले टेस्ट सीरीज हुई थी वहां पर भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काइल विलेने ये जो है ये मौका हाथ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि अभी अगर हम देखें तो जब दक्षिण अफ्रीका की बात आती है तो क्विंटन डिकॉक के आगे हम सोचते ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि कोई विकेट कीपर ही नहीं है, काइल बेरेन यहाँ पर एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं फॉर द फ्यूचर। यह हो गया एक डिफरेंशियल पिक। दूसरे डिफरेंशियल पिक मेहदी हसन। अब क्यों मेहदी हसन, अगेन जो रीजन मैंने केशव महाराज के लिए दी थी वही सेम रीजन मैं यहां पर दूंगा, वो ये कि पिच टर्न होने वाला है आखिरी के 2 दिन में, तो मेहदी हसन आपको विद द बॉल विकेट निकाल कर दे सकते हैं और प्लस ओडीआई सीरीज में अच्छे फॉर्म में थे बैट के साथ भी, तो ये आपको क्रूशियल रन्स भी स्कोर करके दे सकते हैं। क्या होता है ना कि आजकल के क्रिकेट में टेस्ट मैचों में ये अभी नहीं देखते कि नंबर 1 to 7 आपको कितने रन्स बना के देते हैं, नंबर्स 8 to 11 भी आपको रन्स बना के देने चाहिए। अगर आप एशेज सीरीज की बात करें जो अभी हाल ही में हुई थी, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में, तो ऑस्ट्रेलिया के जो परफॉर्मेंस थी, ठीक है ऊपर से वॉर्नर थोड़े मारे थे, ट्रैविस हेड थोड़े परफॉर्म कर रहे थे, ख्वाजा तो थे, लेकिन नीचे वाले जो थे ना, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, इन लोग की परफॉर्मेंस भी बहुत क्रिटिकल थी। तो ये अब आजकल बॉलर्स नहीं है, बॉलर्स कम ऑलराउंडर्स हो गए हैं, तो मेहदी हसन वो आपके फैंटेसी को रंग देंगे अपने मेहदी वाले स्कोर से। तो प्लीज मेहदी हसन को डिफरेंशियल पिक के बारे में जरूर सोचिएगा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे डिफरेंशियल पिक्स, हमारे सजेस्टेड प्लेयर्स। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे प्रोबेबल प्लेइंग 11, यानी दक्षिण अफ्रीका की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और फिर बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो दक्षिण अफ्रीका में अगर ओपनिंग के लिए आएंगे तो फिर कप्तान डीन एल्गर तो है ही, तो ये आपके लिए इनका पहला नाम होगा। फिर दूसरा नाम जो दूसरे ओपनर की हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो है सरेल अरवी। कौन है ये सरेल अरवी, नए प्लेयर हैं, अब हाल ही में आए हैं, न्यूजीलैंड के साथ जो लास्ट मैच हुई थी इन न्यूजीलैंड वहां पे उन्होंने एक शतक जड़ा था, 151 अंक दिलाए थे ड्रीम टीम में फैंटेसी पॉइंट्स में और प्लस उसके पहले फर्स्ट क्लास में 3 लगातार हाफ सेंचुरी उन्होंने जड़े थे। तो सरेल अरवी को आप कंसिडरेशन में जरूर रखें और मोस्टली साउथ अफ्रीका इनके साथ ही ओपन करेंगी डीन एल्गर के साथ। फिर नंबर 3 पे आपके कीगन पीटरसन तो है ही, आपको कंसिस्टेंटली पॉइंट्स देते हैं कीगन पीटरसन। उसके बाद आपकी मिडिल ऑर्डर आ जाती है तो उनमें से एक का नाम है टेम्बा बाउमा, कप्तान है तो डेफिनेटली वो कोशिश करेंगे जो कंसिस्टेंसी अब दिख रही है यहाँ पर वो यहाँ पर भी कंटिन्यू करे लॉन्ग फॉर्मेट में। काइल विलेन की हमने बात की है, ये मिडिल ऑर्डर में किधर भी आ सकते हैं, नंबर 5 नंबर 6 पर। उसके बाद आपके लिए वियान मुल्डर, ये एक अच्छे ऑप्शन है ऑलराउंडर जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, नंबर 6 या नंबर 7 पे आ सकते हैं ये और रन्स भी स्कोर करते हैं और विकेट्स भी लेते हैं।
और उसके बाद आपके बॉलर्स हो सकता है, अब यहाँ पर हो सकता है दक्षिण अफ्रीका के एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ भी जाए, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश के साथ खेल रही है और वो भी घर पे खेल रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उनके बैटर्स 6 तक रहेंगे और उनके बाकी 5 जो है वो बॉलर्स या बॉलर्स कम ऑलराउंडर्स रहेंगे। तो उनमें से पहला नाम मैं लूंगा केशव महाराज का, क्योंकि ये अच्छे खिलाड़ी हैं, मतलब फाइट हार्ड करते हैं, बैट में बैटिंग में भी विकेट्स ऐसे देते नहीं हैं। एक बॉलर है जो ऑप्शन में आ सकते हैं, वो है साइमन हार्मर, ऑफ स्पिनर है, तो ये शायद ये डर्बन के पिच के हिसाब से इन्हें कंसिडरेशन कल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने उनके प्रीवियस फर्स्ट क्लास मैच में 194 अंक हासिल किए थे ड्रीम टीम में, तो वो हो सकता है साइमन हार्मर को एक कंसिडरेशन में लिया जा सकता है। फिर उसके बाद लूथो सिपामला, आप ये सोच रहे हो कि ये सब नए नए नाम हैं, जी हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका की आधी बोलिंग अटैक तो है ही नहीं, एनगिडी, रबाड़ा, तो नोकिया, तो इसके लिए ये सब प्लेयर्स आ रहे हैं। तो सिपामला भी एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, इनको कंसिडरेशन में साउथ अफ्रीका जरूर कर सकती है। उसके बाद ग्लेंटन स्टर्मन, ये भी एक अच्छे तेज गेंदबाज हैं, और हालांकि इनकी कंसिस्टेंसी उतनी अभी तक आई नहीं है, लेकिन उनमें पोटेंशियल है कि वो जो है आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। और फिर 11वें स्थान पर ड्यूएन ओलिवियर, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि ड्यूएन ओलिवियर को साउथ अफ्रीका खिलाएगी, क्योंकि फास्ट बॉलर है और घर पे अच्छा करते हैं, और कंसिस्टेंसी देखिए 69, 77 और 89 इनके पिछले 4 मैचों में, अगर 3 मैचेस की अगर हम बात करें। ये हो गए साउथ अफ्रीका के हमारे हिसाब से प्रोबेबल 11। अब आते हैं बांग्लादेश के प्रोबेबल 11 की तरफ। तो बांग्लादेश में भी अब तमीम इकबाल तो है नहीं, तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर बांग्लादेश में अगर हम बात करें तो ओपनर्स के हिसाब से शैडमैन इस्लाम, ये आपके लिए एक अच्छे पिक साबित हो सकते हैं। 35, 70, 9, 22 और 171 अंक उन्होंने दिलाए हैं पिछले कुछ मैचेस में फर्स्ट क्लास और डोमेस्टिक को लेकर। फिर उसके बाद नजमुल हुसैन शांतो, ये एक अच्छे पिक भी हो सकते हैं, नजमुल हुसैन शांतो 111, 44, 44 ये इनके परफॉर्मेंसेस हैं। फिर उसके बाद आपको महमूदुल हसन जॉय, ये फ्यूचर के प्लेयर्स हैं बांग्लादेश के, तो उस हिसाब से आप तो देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर उनके पास पोटेंशियल है। ये देखिए न्यूजीलैंड के साथ उनके लास्ट मैच में उन्होंने 93 अंक दिलाए थे ड्रीम टीम में। अब आते हैं मिडिल ऑर्डर पर, मिडिल ऑर्डर में आपके पास मोमिनुल हक है, एक टाइम पे मोमिनुल हक बांग्लादेशी ब्रैडमैन माने जाते थे, तो उस हिसाब से देखिए वो कभी कभी नंबर 3 पे भी आते, नंबर 4 पे भी आते, एक टाइम पे उन्होंने 12 कंसेक्यूटिव मैचेस में उन्होंने अर्धशतक लगाए थे, वो फॉर्म वापस प्राप्त करने की कोशिश जरूर करेंगे मोमिनुल हक। उसके बाद विश्व के नंबर 1 ऑलराउंडर यहाँ पर शाकिब अल हसन तो है ही, 117, 123, 181 माफ कीजिएगा। फिर उसके बाद लिटन दास, जो अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में है विकेट कीपिंग में, खास करके 139, 136, 71, 236 और 140, तो यानी अब 6 हो गए। फिर उसके बाद मुश्फिकर रहीम, ये भी एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं, हालांकि इनका फॉर्म थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये नंबर 7 पे आ सकते हैं। फिर उसके बाद इनके बॉलर्स, तो बॉलर्स में स्पिनर के हिसाब से ताजुल इस्लाम, ये एक कंसिडरेशन में हो सकते हैं, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने रिसेंटली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। फिर मेहदी हसन के बारे में हमने ऑलरेडी बात की थी, वो आएंगे इसके बाद। और फिर उनके दो बॉलर्स में तास्किन अहमद को कंसिडरेशन में ज़रूर लाया जा सकता है, क्योंकि पेस और बाउंस मिलेगा, और टास्किन ने हाल ही में ओडिया सीरीज में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, तो उस हिसाब से मोमेंटम की वजह से टास्किन अहमद को खिलाया जा सकता है। और अंत में इबादत हुसैन, तो इबादत हुसैन को भी कंसिडर कर सकते हैं बांग्लादेश, देखिए उन्होंने भी न्यूजीलैंड में जाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, एक मैच में 164 अंक दिलाए थे ड्रीम टीम के, सेकेंड हाइएस्ट पॉइंट गेटर थे। तो ये हो गए हमारे प्लेइंग 11 सजेशंस दोनों ही टीम्स के लिए। अगर अभी आपको कंबाइंड सजेशंस चाहिए तो आप डेफिनेटली फैंटेसी गली पे आ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस तरह के प्लेइंग सजेशंस हम दे रहे हैं आपको, किस तरह के टीम आप हम आपको बना के दे रहे हैं। लेकिन आप प्लीज़ पूरी की पूरी टीम मत कॉपी कीजिए, आप अपनी अकल ज़रूर ऑन कीजिए। और चलिए आपको एक एफजी बेस्ट 11 की झलक दिखा देते हैं। तो
लिटन दास, काइल वेरेन, ये ओपनिंग सजेशन, सो डीन एलेगर, कीगन पीटरसन, टेम्बा बाउमा, शाकिब अल हसन, मेहदी हसन, ये ऑलराउंडर्स, केशव महाराज, ताइजुल इस्लाम और लुथो सिपामला, ये एक ऑप्शन है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो प्लीज फैंटेसी गली पे आइए और ये सब ऑप्शंस का आप लाभ उठाइए। अब चलते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन सजेशंस की तरफ। तो सेफ और रिस्की कैप्टन की अगर मैं बात करूं तो सेफ कैप्टन में आपके लिए आएंगे शाकिब अल हसन, लिटन दास, कीगन पीटरसन, डीन एलेगर, ये सब सेफ कैप्टन्स हैं आपके लिए। रिस्की कैप्टन्स में आप कोई बॉलर को रख सकते हैं, जैसे कि ड्यूएन ओलिवियर आप रख सकते हैं, केशव महाराज को आप रख सकते हैं, मेहदी हसन भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट इनिंग्स में यहाँ पर पिच थोड़ी थोड़ी घूम सकती है और विकेट्स उनको ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ये तो आपके हो गए सेफ और रिस्की कैप्टन्स। और इसी के साथ ही ये वीडियो के अंत का भी सिग्नल आ गया है। तो चलिए, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला एपिसोड पसंद आया होगा। जाने के पहले दो बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले कि फैंटेसी गली सिर्फ उन मैचेस के एनालिसिस नहीं करता जिनके वीडियोस बनते हैं, लेकिन उन मैचेस के भी करता है, करते हैं जिनके वीडियोस नहीं बनते। अमूमन फॉर एग्जांपल आपके विंसी प्रीमियर लीग है, सीएसए वनडे चैलेंज है, पाकिस्तान कप है वनडे वाला, फिर उसके बाद विमेंस वर्ल्ड कप जो खत्म होने आ गया है वो बनते हैं, ऐसे बहुत सारे सीरीज हैं। प्लीज़ 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 फैंटेसी गली पे आइएगा ज़रूर। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पर ऐप आ चुका है, नहीं तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ ने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात उस लाल बटन को दबाइए, वहाँ पर एक बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही नया वीडियो बने आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन से एक बात याद आ गई, अगर आपने ऐप डाउनलोड किया, टॉस हो गई, तो फिर टॉस के बाद ना आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। झंझट ही नहीं, आपको पूरा भरोसा आप रख सकते हैं हम पर कि जो प्लेइंग 22 आपको दिख रही है वो सारे के सारे खेल रहे हों। चलिए, मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे फैंटेसी गली टीम की तरफ से आप सभी से विदा लेता हूं। ऑल द बेस्ट जब आप इस मैच के लिए अपनी टीम बनाएं। नमस्कार, बाय बाय।